एंड वेलकम टू माय हावड़ा मार्केट स्पेशल व्लॉग। कुछ दिनों से मैं कोलकाता में हूँ, ये तो आप सबको पता ही होगा, इतने सारे वीडियोस जो अपलोड किए हैं। एनीवे, मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं पिछले तीन दिन से घर पे बैठी हूँ, कहीं जाने का कोई प्लान ही नहीं बन रहा। आई अंडरस्टैंड इसके पीछे भी रीजंस है, पर ऐसे घर पे बैठे रहना और कुछ दिनों में मैं वापस अपने शहर सिलचर में जा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत घूमना तो बनता है। तो आज मैं अकेली निकल पड़ी हूँ सबसे पहले हावड़ा ब्रिज के लिए, जिसकी पूरी डिटेल्स वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, आप लोग जरूर चेक करिए। और अब हावड़ा ब्रिज से निकलकर मैं जा रही हूँ हावड़ा मार्केट, जो हावड़ा ब्रिज से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। वैसे तो मैं पैदल जा सकती हूँ, पर आज बहुत ज्यादा चलना पड़ा तो मैंने ले लिया शेयर्ड ई रिक्शा, जिसका भाड़ा पड़ेगा मुझे सिर्फ 10 रुपया। तो बस ई रिक्शा में बैठते ही पलक झपकते, मतलब 5-7 मिनट के अंदर मैं पहुंच चुकी हूँ हावड़ा मार्केट में। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है आई लव हावड़ा, और इसी के ऑपोजिट में, मतलब उल्टे साइड में, बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर कपड़ों से लेकर जूते, चश्मे से लेकर बेल्ट सब कुछ। तो चलिए उसी तरफ चलते हैं। एंड हियर इज कोलकाता फेमस पुचका, गोलगप्पा, पानीपुरी, कुछ भी कह लीजिए, बहुत टेस्टी होता है। पर लास्ट टाइम जब मैंने खाया था मेले में, बहुत ज्यादा तीखा था, तो अभी मैं ये ट्राई नहीं करने वाली हूँ। और यह देखिए, इतनी गर्मी, इतनी धूप में गर्मा गर्म पकौड़े तला जा रहा है और लोग खा भी रहे हैं। एनीवे, अब यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कपड़े भी है जिसका फिक्स प्राइस है 150 रुपीज। अब मैंने बार्गेनिंग वगैरह नहीं किया क्योंकि मुझे अभी कुछ खरीदना ही नहीं है। तो आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे, खरीदना नहीं है तो मैं बाजार में क्यों आई, पागल हूँ क्या मैं? अरे नहीं, बाजार के रास्ते, मतलब इसी रास्ते से होकर मुझे जाना है हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन। एंड जस्ट लुक एट दिस मोमेंट फील्ड विद लव, केयर एंड टुगेदरनेस। यहाँ पर एक बुजुर्ग कपल बहुत ही प्यार से बैठ के खाना खा रहे थे। वो शायद ये छोटा सा कपड़े की दुकान चलाते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपने सामने बैठे कुत्ते को भी खाना दिया। दिस मोमेंट रियली मेड माई डे। अभी चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे तरह तरह के बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्ग के, सब के कपड़े यहाँ पर अवेलेबल है। ये सिर्फ हावड़ा मार्केट के फुटपाथ एरिया का है, जहाँ पर आप सारी दुकानें देख रहे हैं। अंदर और भी बहुत बड़ी मार्केट है, अगर मुझे कभी वक्त मिलेगा मैं जरूर विजिट करूंगी, पर आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो आज ये सब देखते हुए और आप सबको दिखाते हुए मैं जाऊंगी सीधे हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन। अब कोलकाता की एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा मेहनती है, खास करके बुजुर्ग लोग। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो बुजुर्ग लोग चला रहे हैं। कितने ज्यादा मेहनत लगती है एक दुकान चलाने में। आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो मुझे उनसे जरूर सीखना चाहिए। मैं थोड़ा मेहनत करती हूँ तो लगा बहुत हो गया, पर ये तो अपनी पूरी जिंदगी सालों साल बस ऐसे ही मेहनत किए जा रहे हैं। तो ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर देम एंड दिल से थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी टू वर्क मोर। यहाँ मैं आप सबको एक बार बता देती हूँ यहाँ पर क्या है, बैग है, सैंडल है, कपड़े हैं लड़कों के, लड़कियों के, बच्चों के, सबके हैं, और साथ ही साथ है यहाँ पर टेस्टी टेस्टी खाना। अगर मैं अकेली नहीं आती, मेरे साथ मेरी मम्मी होती, तो शायद यहाँ पर मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते। अगर आप शॉपोहोलिक हो, मतलब आपको शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो आप यहाँ पर जरूर आइए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पर कलेक्शंस बहुत ही बढ़िया है। चलिए इसी के साथ चलते चलते मैं पहुँच चुकी हूँ हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन तक। अब मुझे लेनी है मेट्रो और फिर पहुँचना है घर। अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में। पर आप लोग जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए बस इतना, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।